चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ आज हमारी 208वीं वेबिनार है, यानी आज हमने लगभग 2 सालों से लगातार हम इस विषय को करते आ रहे हैं और ये आज हमारे को 4 वर्ष लगभग पूरे हो गए इस विषय को हर सप्ताह करते करते। 208वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने कुछ नए प्रावधानों के साथ 3 महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव किए हैं। इंडियन पीनल कोड का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट वैसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार परिवर्तित होकर हमारे समक्ष 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इस पर पहले भी हम एक बार चला के छोटी सी चर्चा कर चुके हैं। तो लगभग 175 धाराओं में संशोधन किया गया है, 22 धाराओं को हटाया गया है। बच्चों को किसी रोजगार में नियोजन अथवा किसी अपराध में सहभागिता करना नया जोड़ा गया है। हालांकि ये जेजे की धारा 83 में भी ऑलरेडी था, इस प्रकार के प्रावधान थे। किसी नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप 70(1) और 70(2) में किया गया है, जो पहले 254(d) होता था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 12 वर्ष से कम आयु के बालक का परित्याग जो जेजे एक्ट की धारा 75 में वर्जित है, इस प्रकार की चीजें वैसे 317 में भी थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। किसी बालक को अश्लील सामग्री का वितरण चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल के नाम से पॉक्सो की धारा 13 में, ये ऑलरेडी बच्चों के लिए कवर्ड है लेकिन ये आईपीसी के में भी आया है, इस बार से नई आईपीसी में जोड़ी गई है। भारत सरकार के नौकर जैसे शब्दों का विलोपन कर दिया गया है और ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। पहले जो अगर हम भारत जुबिनाइल जस्टिस एक्ट में देखें तो कम्युनिटी सर्विस एक बड़ा टूल है जो हम बच्चों को देते हैं। ऐसे हमें लगता है कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम नहीं भेजना चाहिए, उनको समाज के बीच में जाकर काम करना चाहिए और सीखना चाहिए, तो इसके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान जुबिनाइल जस्टिस एक्ट में पहले से ही है। इस बार इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी लागू किया गया है। तो इस प्रकार कौन कौन से परिवर्तन हैं और स्पेसिफिकली बालकों और महिलाओं के संबंध में कि जो 2023 भारतीय न्याय संहिता में लागू होने वाले हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट कपिल मेहरा। आप 25 वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील के साथ साथ आप एक काउंसलर भी हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप लगातार काम करते चले आ रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से बीकॉम एलएलबी डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, उषा लीगल फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक आपका एनजीओ है जिसके आप सेक्रेटरी हैं और लगातार कानूनी विषयों पर आप लोगों को पढ़ाते रहे हैं, लोगों को बताते रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, आईपीसी और बीएनएस का एक कंपेरेटिव चार्ट बनाया है जो संभवतः अगर समय बचेगा यहाँ भी देंगे और किसी को चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे भी। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और नंबर भेज दीजिएगा, मैं मेहरा साहब को भेज करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपलब्ध करा दूंगा। सिविल क्रिमिनल फैमिली मोटर व्हीकल एक्ट एंड ई रजिस्ट्रेशन जैसे विषयों पर आप लगातार काम करते चले आए हैं, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं आदरणीय एडवोकेट कपिल मेहरा साहब से कि आज का जो हमारा विषय है कंपैरेटिव ऑफ आईपीसी विथ बीएनएस, इस पर अपनी बात रखें। कपिल मेहरा सर। सर आप सभी को नमस्कार और मेरे वरिष्ठ जन को प्रणाम। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है और वर्तमान में मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप सभी कानून के जानकार हैं इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस छोटे से प्रयास के लिए सत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। विशेष रूप से मैं श्री चौबे जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इस मंच पर आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। जैसा आप सभी को जानकारी है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 23 अध्याय एवं 511 धाराएं थी, जिनमें से 19 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है एवं 20 नवीन अपराधों को जोड़कर 6 धाराओं को 20 अध्याय एवं 358 खंड के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुनः विस्थापित किया गया है। इसमें मैं अब भारतीय न्याय संहिता को शॉर्ट में बीएनएस बोलूंगा तो आप सब लोग समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता है। बीएनएस में 33 अपराधों की सजाओं को बढ़ाया गया है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में सम्मिलित किया गया है। महिला एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले संबंधी समस्त अपराधों को
डीएनएस में एक ही अध्याय अध्याय 5 में शामिल किया गया है। इसके पूर्व आईपीसी में ये अपराध बिखरे बिखरे थे। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न को भारतीय न्याय संहिता में एक ही अध्याय अध्याय 4 में शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो धाराएं विलोपित की गई हैं उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान थे। भारतीय दंड संहिता के निम्न प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता में विलोपित कर दिए गए, धारा 14 सरकार का सेवक, धारा 18 भारत, धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, धारा 50 धारा 53 का निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, धारा 124 का राजद्रोह को भी विलोपित कर दिया गया, धारा 153 का किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना, इसको भी विलोपित कर दिया गया, धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, इसको भी हटा दिया गया, धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग, ये भी विलोपित किया गया है। इसी के साथ धारा 265 66 67 जो खोटे बांट और मापों के संबंधित थी, इसको भी विलोपित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विलोपित किया गया है, धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न, इसको भी विलोपित किया गया है। ठगी को धारा 310 को विलोपित किया गया है। ठगी के दंड धारा 311 को भी विलोपित कर दिया गया। धारा 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध, इसे भी डिलीट कर दिया गया है नई भारतीय न्याय संहिता में। इसी के साथ धारा 344 रात्रि गृह अतिचार, 446 गृह वेतन और 497 जार कर्म को भी हटा दिया गया है। अब ये जो हटा दी गई धाराएं, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, वो अपराधों की सजा के संबंध में किया गया है। जैसा आप सभी को जानकारी है कि भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार की सजाएं थी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास कठोर और साधा, संपत्ति का संपरण और जुर्माना। किंतु भारतीय न्याय संहिता में 6वीं धारा के 6वीं सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को सम्मिलित किया गया है, जो VNSS के क्लॉज 23 में कवर करता है। अब सामुदायिक सेवा किन अपराधों में दी जाएगी, वो अपराध है धारा 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से कोई व्यापार में सम्मिलित है, धारा 902 ना धारा 209 जो है किसी उद्योग, धारा नागरिक सुरक्षा संहिता में यदि कोई कोर्ट किसी को उपस्थित होने के धारा 84 में निर्देश देती है और वो उपस्थित नहीं होता है तो उसके उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी में धारा 209 में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान। इसी के साथ चोरी की गई संपत्ति का मूल्य यदि 5,000 रुपये से कम है और चोरी करने वाला व्यक्ति पहली बार दोष सिद्ध किया गया है तो उसे धारा 303(2) में सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। 355 धारा 355 में लोक स्थान में उपचार यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे सामुदायिक सेवा की सजा है। और सबसे महत्वपूर्ण की जो मानहानि है, मानहानि धारा 356(2) में भी सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में जो परिभाषा है उसमें क्या परिवर्तन है। तो पहले बालक की उम्र जो थी, पहले 18 वर्ष से कम लड़की की उम्र मानी जाती थी, पर धारा 2(1) में बालक शब्द का उपयोग किया गया है जो 18 वर्ष से कम आयु की श्रेणी में भले ही वो बालक हो या बालिका हो। इसी प्रकार धारा 2(8) में दस्तावेज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को सम्मिलित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये धारा 2(10) में जेंडर, पहले पुरुष या महिला ही इसमें शामिल थे आईपीसी में, परंतु बीएनएस में उभयलिंगी ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता में जो नवीन अपराध सम्मिलित हुए हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। धारा के अनुसार धारा 48 में अपराध के लिए भारत से बाहर कोई दुष्प्रेरण करता है, उदाहरण के तौर पर यदि का एक्स देश में किसी अन्य देश में खा को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है तो वो हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, जो धारा 48 में कवर करेगा। इसी के साथ धारा 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि के द्वारा
मैथुन करना, यदि किसी महिला के साथ विवाह करने का वचन देकर कोई भी व्यक्ति उसके साथ कोई मैथुन करता है, मैथुन जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे किसी भी भांति के कारावास से 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण यह है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों में पहला है नियोजन, या किसी को पदोन्नति का लालच देना, या अपनी पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा करना, और मिथ्या वचन सम्मिलित है, जो आजकल काफी हमारे समाचार पत्रों में और न्यूज में देखने और पढ़ने को मिलता है। इसके पश्चात धारा 72, 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ यदि कोई सामूहिक बलात्कार करता है, जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके अपराध किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ साथ मृत्यु दंड तक दंडनीय किया जाएगा। बालकों के संबंध में धारा 95 में यदि कोई अपराध के लिए बालक को भाड़े पर लेता है, जैसे कि यौन शोषण या अश्लील साहित्य के लिए किसी बालक को काम पर रखता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो इस धारा के अंतर्गत वो अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 96, बालक का उपायन, यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से कोई अपराध करता है संभोग के लिए, तो वो धारा 96 में कवर होगा। अब बालक में यहाँ पे बालक और बालिका दोनों शामिल हैं, क्योंकि धारा 18 में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2(1) में। अब उक्त आशय के प्रावधान पूर्व में धारा 366 का ICC में 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क लड़की पर ही लागू होते थे, जो अब बालक शब्द में दोनों पर लागू होंगे। इसी प्रकार जो एक अपराध हम देखते हैं आए दिन, मॉब लीचिंग को धारा 103(2) में शामिल किया गया है। समूह द्वारा हत्या, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 117(4) समूह द्वारा घोर उपद्रव, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर घोर उपद्रव कारित की जाती है, तो वो किसी भांति के कारावास या जुर्माने से दंडित होगा, जो 7 वर्ष तक सजा हो सकेगी। उपेक्षा द्वारा मृत्यु, धारा 106(1) उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, यदि कोई उतावलेपन या उपेक्षा पूर्व तरीके से किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करता है, या आपराधिक मानव वध, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आएगा, मृत्यु कारित करता है, तो वो किसी भी कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगा से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने भी उससे भी उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि ऐसा कृत्य कोई रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी, मतलब डॉक्टर, जब वह चिकित्सा प्रक्रिया संपादित कर रहा है और कारित किया जाता है, तो वो किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये अपराध संज्ञेय है और जमानती है। धारा 106, वाहन जो आए दिन दुर्घटना हो जाती है, यदि कोई दुर्घटना होने पर, वाहन दुर्घटना होने के उपरांत यदि सूचना नहीं दी जाती है, तो इसे भी एक अपराध के रूप में धारा 106(2) में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो संगठित अपराध होते हैं, उनको धारा 111(1) में परिभाषित किया गया है, जिसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, उद्यापन, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, कॉन्ट्रैक्ट कीलिंग, ड्रग्स, हथियार, अवैध वस्तु या सेवाओं की तस्करी, या वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी भी सम्मिलित है। ऐसे संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा का उपयोग करके हिंसा की धमकी, दबाव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ, जिसमें वित्तीय लाभ भी शामिल है, किया जाता है, तो वो संगठित अपराध की श्रेणी में आएगा। निरंतर गैर कानूनी गतिविधि,
कंटेनिंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ये भी सिंडिकेट की श्रेणी में आया है, जो भी अपराध माना जाएगा। आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध में ऐसे शामिल किया गया है कि जैसे आपराधिक न्यास भंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट, शासकीय स्टाम्प का कूटकरण, हवाला, संदेवार, मास मार्केटिंग फ्रॉड, बड़े पैमाने पर विपणन कपट, या व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कोई योजना चलाना, या किसी भी रूप में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य संस्थान या संगठन को धोखा देने की दृष्टि से किसी भी तरीके से किया गया कोई अपराध। क्योंकि आजकल बैंकों के साथ भी इस तरीके के काफी अपराध होते हैं और लोगों को भी अलग अलग योजनाओं में, फाइनेंशियल योजनाओं में उलझाकर पैसा ऐंठा जाता है, तो इसे शामिल किया गया है अपराध की श्रेणी में। अब संगठित अपराध जो है उनमें दंड क्या होगा, तो धारा 111(2) में संगठित अपराध की दंड शामिल किए गए हैं जो अलग अलग स्तर पर हैं। 10,00,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और यदि मामले कुछ कम है तो उसे 5,00,000 रुपए से भी दंडित किया जाएगा और आजीवन कारावास भी होगा दोनों श्रेणी। इसी प्रकार धारा 111(3) संगठित अपराध के दुष्प्रेरण प्रयास आदि के लिए भी दंड, यदि कोई दुष्प्रेरण करता है, वो प्रयास करता है, वो जानबूझकर किसी की सहायता करता है किसी षड्यंत्र में, तो उसे भी आजीवन कारावास और 5,00,000 रुपए की राशि से दंडित किया जाएगा। धारा 111(4) में यदि कोई किसी सिंडिकेट का सदस्य है तो उसके लिए भी दंड है, जो 5 वर्ष से कम होगा कारावास उसको, और 5,00,000 रुपए से कम नहीं होगी जुर्माने की राशि, इससे भी दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 111(5) संगठित अपराध के आरोपी को यदि कोई आश्रय देता है, संश्रय देता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा और उसे 3 वर्ष के कारावास से जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और 5,00,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे विशेष रूप से यह है कि इस उपधारा में यदि कोई पत्नी अपने पति के द्वारा संशय दिया गया है या छिपाया गया है तो उसे अपराध में शामिल नहीं किया गया। धारा 111(6) में संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति पर कब्जे के लिए दंड, यदि कोई संगठित अपराध होता है और उस अपराध में कोई संपत्ति को रखा जाता है तो उसे भी अपराध के रूप में इसमें शामिल किया गया है, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी सजा और आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और 2,00,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। धारा 111(7) कहती है कि संपत्ति का यदि कोई सिंडिकेट किसी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा रखता है तो उसके लिए जो दंड है वो भी 3 वर्ष से कम नहीं होगी सजा और 10 साल तक बढ़ाई जा सकेगी और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब छोटे जो संगठित अपराध हैं उनको धारा 112(1) में शामिल किया गया है, जैसे समूह या गिरोह का सदस्य संयुक्त रूप से चेन स्नेचिंग करता है, झपटता है, छल करता है, टिकटों की अनाधिकृत कोई बिक्री करता है, अनाधिकृत बाजी बैटिंग करता है, जुआ खेलता है, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की बिक्री भी करता है या अन्य कोई समान आपराधिक कृत्य करता है, उसे छोटे संगठित अपराधों में शामिल किया गया। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए चोरी में चालाकी से वाहन चोरी, आवास गृह, व्यवसायिक परिसर, कार्गो में माल चोरी, जेब काटना, कार्ड स्कीमिंग के माध्यम से चोरी या एटीएम की जो मशीन की चोरी होती थी उसको भी शामिल किया गया है। इसे धारा 112(2) में जो सजा का प्रावधान है वो 1 वर्ष से कम नहीं होगी सजा और 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 113 आतंकवादी कार्य को सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें बीएनएस में आतंकवाद शब्द को शामिल किया गया। आतंकवादी कार्य धारा 113 कहती है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में किसी या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से कोई यदि बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ
अग्नि शस्त्र, अन्य घातक हथियार या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के अन्य पदार्थ जो जैविक भी हो सकते हैं, रेडियोधर्मी भी हो सकते हैं और परमाणु या अन्यथा किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं, तो उसे धारा 113(1) में अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अब इसमें यदि इन अपराधों से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या क्षति होती है या क्षति होने की संभावना है तो उसे और या नुकसान होता है या विनाश होता है तो ये धारा 113(1) में कवर होगा। कूटकरण, इसी में भारतीय कागजी मुद्रा सिक्के या किसी अन्य सामग्री उत्पादन या तस्करी के लिए भी यदि कोई इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो वो आतंकवादी की श्रेणी में आएगा। भारत की रक्षा के लिए या उसके उपकरणों, अभिकरणों या उसकी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के लिए उपयोग में की जाने वाली कोई भी सामग्री को या विदेश में किसी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है या विनाश करता है तो वो भी धारा 113(1) में कवर होगा। आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन यदि किसी के द्वारा किया जाता है और मृत्यु कारित हो जाती है, लोक पदाधिकारी की भी मृत्यु कारित होती है तो वो भी धारा 113(1) में कवर है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई कार्य करने के लिए या कार्य करने के विरत रहने को विवश करने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, व्यपहरण करता है या अपहरण करता है तो ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या अन्य कोई कार्य करता है तो ये आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में है, धारा 113(1) में कवर हो। अब आतंकवादी कृत्य के लिए दंड जो है वो धारा 113(2) में प्रावधान है उसका, बीएनएस के। जो भी इस प्रकार के जो अभी मैंने अपराध बताए हैं यदि वो कोई करता है तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये काफी सख्त प्रावधान किया गया है। किसी अन्य मामले में ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी उसे भी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 113(3) में आतंकवादी कृत्य का षड्यंत्र प्रयत्न आदि के लिए यदि कोई प्रयत्न भी करेगा तो वो भी 5 वर्ष तक के दंड से दंडित किया जाएगा, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 113(4) में आतंकवादी कृत्य का यदि कोई प्रशिक्षण देता है या कोई भर्ती आदि करता है तो उसे भी 5 वर्ष से कम नहीं होगी सजा, किंतु आजीवन तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो भारतीय दंड संहिता में इतने सख्त प्रावधान नहीं थे जो भारतीय न्याय संहिता में शामिल किए गए। धारा 113(5) में यदि कोई आतंकवादी कार्य में संलग्न रहकर या किसी संगठन का सदस्य भी निकलता है तो वो भी आजीवन कारावास तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 113(6) में आतंकवादी कृत्य का अपराध करने वाले को यदि कोई आश्रय देता है, संशय देता है तो वो भी आजीवन कारावास तक दंडित किया जा सकता है, जो 3 वर्ष से कम सजा नहीं होगी उसे और जुर्माना भी इसमें शामिल। इसमें एक चीज वही जोड़ी है उपधारा में कि अपराधी के पति या कि पत्नी द्वारा दिए गए संशय पर इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। धारा 113(7) यदि आतंकवादी कार्य से कोई संपत्ति अर्जित करता है और अपने कब्जे में रखता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, उसे भी आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाएगा और जुर्माने से दंडित होगा। अब इसमें जो आतंकवादी कृत्य है उसके पंजीयन के लिए जो प्रावधान किया गया है, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से जो अनिम्न श्रेणी का होगा, जो उनसे भी निम्न श्रेणी का होगा कोई भी अधिकारी, वो निश्चय करेगा कि धारा 113 के अधीन जो भी अपराध किया गया है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किए गए हैं तो वो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब जो एक नवीन अपराध है वो धारा 117(3) में जोड़ा गया है, स्वेच्छा घोर उपाधि जिससे किसी व्यक्ति को दिव्यंगता कारित हो, विकलांगता तो परमानेंट डिसेबिलिटी, वो धारा 117(3) में अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है,
जिसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब जो हम आए दिन देखते हैं कि कहीं भी रास्ते चलती महिला, हमारी बहन, किसी से भी चेन झपट ली गई या किसी से कोई चीज छीन ली गई, तो उसे धारा 304(1) में झपट मारी के तौर पर शामिल किया गया है, जिसे हम चेन स्नेचिंग भी कह सकते हैं। यदि ऐसा कोई अपराध किसी के द्वारा किया जाता है और लिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो वो धारा 304(1) के अंतर्गत कवर हो। धारा 304(2) में जो भी ऐसा अपराध करेगा उसका दंड 3 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार जो चोरी होती है उसे एक अलग रूप में शामिल किया गया है। धारा 305 को भारतीय दंड विधान की धारा 380 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके उपखंड खा गा घा और रा बनाए गए हैं, जो अलग अलग तरीके की चोरी की को परिभाषित करते हैं इसमें। और जो धारा 305 के अंतर्गत अपराध करेगा उसको जो सजा होगी वो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब भारत की अखंडता और एकता को यदि कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे धारा 152 में शामिल किया गया है, जिसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है वो आजीवन कारावास, जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इस धारा 152 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, धारा 152 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप जो बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों, प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है। आत्महत्या है उसको बीएनएस की धारा 226 में शामिल किया गया है। धारा 226 में विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने के विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न यदि कोई करता है तो वो धारा 226 में सजा का प्रावधान है। पहले ये धारा 302 जो धारा पहले भारतीय दंड संहिता में 309 थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 226 में बताई गई परिस्थितियां, जो परिस्थितियां ये है कि किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य करने या शासकीय कर्तव्यों का निर्वाह करने से विरत रहने के आशय से या करने हेतु आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित होगा। परंतु यदि कोई थर्ड पर्सन, एक सामान्य आदमी यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता में अपराध की श्रेणी में नहीं लाया गया है, जो पहले धारा 309 को कवर करता था भारतीय दंड संहिता की। इस प्रकार धारा 153 था में जो राष्ट्रीय अखंडता को कोई प्रभाव डालता है, कोई लांछन लगाता है, तो उसे धारा 153 था में शामिल किया गया है। धारा 197 में राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान आदि भी शामिल है, जिसमें अलग अलग श्रेणी दी गई है। वो काफी ज्यादा है इसलिए उसे मैं विस्तृत रूप से अभी नहीं बता पाऊंगा, परंतु इसमें 3 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब इसमें लोक पदाधिकारी जो है, लोक पदाधिकारी का अर्थ है संवैधानिक पदाधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या अन्य कोई अधिकारी जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में लोक पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है, वो लोक पदाधिकारी माना जाए। कूटकृत भारतीय मुद्रा, ये अभिप्रेरित है कि जो ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेरित है जो किसी पदाधिकारी या अधिसूचित फॉरेंसिक अथॉरिटी द्वारा परीक्षण करने के पश्चात यह घोषित किया जाए कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, तो वो कूटकृत भारतीय मुद्रा की श्रेणी में आई। अब इसी प्रकार काफी संशोधन किए गए, पर जो महत्वपूर्ण संशोधन थे भारतीय न्याय संहिता में और नवीन अपराध जोड़े गए हैं वो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताए। चौबे सर जी जी, तो मेरी, सर, मेरा, एक,
जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब एक बेसिक आइडिया दिया है। आप कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, उसके पूर्व हमारे साथ हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी चेयरपर्सन रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के, और एक लंबे समय से बालकों के विषयों पर कार्य करते रहे हैं, और हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। उनके नेतृत्व में ही ये यात्रा जो आज हम 4 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, 208वां एपिसोड है, इन तमाम इंटरेस्टिंग विषयों को लेकर के हम चल पाए हैं और आपके समक्ष ले आ पाए हैं। तो भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन दें, फिर इस सत्र को हम खुले सत्र के माध्यम से प्रश्नों की तरफ जाएंगे। राघवेंद्र जी, भाई साहब। अच्छा, 1 मिनट, शायद भाई साहब का माइक बंद होगा, इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। जी भाई साहब, अब सेटिंग बदल दी है मैंने, आप बात कर सकते हैं। राघवेंद्र जी, भाई हाँ साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, जी भाई साहब, आ रही आवाज। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब, आ रही है, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? कृपया जी, आप आ रही है भाई साहब, आ रही है। सभी को बहुत बहुत जी, आप सभी को नमस्कार। और हम एक बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम एक बहुत सफल और सार्थक यात्रा की तरफ चल रहे हैं, और बार बार हर एक कदम हमारा सफलता के लिए बहुत आगे तक बढ़ता जा रहा है। आज का जो विषय है वो बहुत ही समसामयिक विषय है, और मैं कहूँ जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं हमारे न्याय प्रणाली के बारे में कि जो निर्णय भारत में कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके हो जाते थे, अंग्रेजों के आने के बाद हम उसके लिए लंदन तक दौड़ने लगे। हमारे यहाँ पंच परमेश्वर की व्यवस्था थी, जो निर्णय होता था वो मान लिया जाता था, फिर धीमे धीमे समय में परिवर्तन आया और हम वहां पहुंचे। लेकिन फिर से मैं कहूँ, ये सारी की सारी व्यवस्था एक पुनः उसी चक्र पे जा रही है। अब हमने एक बहुत एक लंबा समय लगता है न्याय मिलने में। हमारे यहाँ कहा गया, जस्टिस डिनाई, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। तो जो ना देने के समान जो निर्णय की प्रक्रिया है, तो अभी सरकार ने भी और समाज की तरफ से मांग उठ रही है बार बार, क्या ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी हो जो तुरंत न्याय की तरफ जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े पुराने समय याज्ञ बल्क से लेकर के बृहस्पति से लेकर किसी को भी हम देखते हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि वो राजा न्याय न, जो राजा नरक का भागी होगा अगर समय पर न्याय नहीं देगा। तो वास्तव में न्याय व्यक्ति का एक मौलिक और नैसर्गिक अधिकार है, वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। आज के डिस्कशन में इस विषय पे हम जो नया हमारा 2023 लॉन्च हुआ है, कानून में संशोधन होकर के लोग उसका उपयोग हो, बच्चों को कैसे समय पर न्याय मिले, क्योंकि जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो उसके कारण से बहुत सारी विकृतियां खड़ी होती हैं। इस विषय पर आज एक बहुत बड़ी अच्छी सार्थक चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि हम विशेष रूप से हम सामाजिक काम के करते करते, लेकिन न्याय किसी देश की प्रोग्रेस की सबसे बड़ी सीढ़ी है, तो वहां का न्याय तंत्र, न्याय व्यवस्था ही है। इसलिए न्याय तंत्र या न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी होगी उतना वो देश अच्छी प्रगति करेगा। तो आज का जो डिस्कशन है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उसमें एक अहम रोल प्रदान करेगा, और हमारा जो CCF के माध्यम से हम लोग जो अभी यात्रा चल रही है, ये बहुत लंबे समय से चलने वाली एक सार्थक और साधक के रूप में यात्रा को हमारी पूरी CCF की टीम कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं वक्ता को, आदरणीय जो हमारे बीच में समय देने के लिए उन्होंने समय दिया है, उनको और अपनी टीम को और जितने लोग भी पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं इसमें, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आदरणीय कृपा शंकर जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक सार्थक और भागीरथी प्रयास आप कर रहे हैं, और ये हर रोज सफलताओं की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे लगता है इसके बाद की आपकी जो प्रक्रिया उसको शुरू कीजिए। मुझे केवल आप सभी के दर्शन करके आपको धन्यवाद देना था। आप इस काम में और जुड़ें और अच्छी तरह से करें और सफलतापूर्वक करें, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि कपिल सर ने बताया है, काफी सारे संशोधन हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगामी 2 सप्ताह में CRPC और एविडेंस एक्ट पर भी बात कर पाए विशेषज्ञों के माध्यम से, कि उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं।
अगर तो आपके समक्ष वो विषय भी लेकर हम उपस्थित रहेंगे, खुला सत्र है, इस पे हम बातचीत करेंगे। उसके पहले मैं एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ सर आपकी तरफ की, ये इसको लेकर के व्यावहारिक कठिनाइयां क्या होने वाली हैं, खास करके वकीलों के लिए, क्योंकि वकील साहब को भी जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, और जुडिशरी को भी, जो चीज एक लंबे समय से चलती चली आ रही है, एक लंबे अंतराल से जो पढ़ के चले आ रहे हैं, चाहे हमारे LLB के कोर्सेस में हो या जुडिशरी में जो पढ़ाया जाता है, उसमें अचानक से 1-1.5 साल में जो परिवर्तन हुआ है, इस व्यवहारिक कठिनाइयों का क्या समाधान है और क्या कुछ सरकार स्तर पर तैयारी चल रही है, अगर इस पर आप कुछ बात कर पाए तो। मेहरा सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की है भोपाल कोर्ट में, तो मुझे लगता है पूरे देश में सर, सरकार के माध्यम से तैयारी चल रही है, तो कुछ लोग जो इसका भ्रम फैला रहे हैं कि इसमें क्या कठिनाइयां आई, उसकी तरफ मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में इतनी अच्छी तैयारी के साथ जो एक्ट आ रहा है, तो क्या कठिनाइयां होने वाली हैं या सरकार ने उस तरह पर्याप्त ध्यान दिया है? इसमें मैं पहला सबसे पहला एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, और ये जो परिवर्तन हुआ है उसे हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, एज ए न्यायाधीश, एज ए एडवोकेट और एज ए आम जन। क्योंकि इस पूरे न्याय प्रणाली जो परिवर्तित हो रही है, इसमें सबसे मेन चीज यह है कि जैसा सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है, तो सामुदायिक सेवा को एक सामान्य जन जो पहला अपराध करता है या करने की इच्छा रखता है, जी सर, मैं थोड़ा एक कॉल आ गया था तो मैं सुन नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। कपिल सर थोड़ा एक बार और बताएं तैयारियों को लेकर। सर सर पहला यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जो परिवर्तन हो रहा है उसे हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। समस्याएं तो आती हैं, यदि छोटी मोटी कोई समस्या आएंगी तो हमारा फोकस पॉजिटिवली ये होना चाहिए कि हम समस्या का समाधान ढूंढें। अभी जो हमने जैसे 6 जून को जो आपके सामने चार्ट है, जैसा आपने बताया अभी सभी को, जब हमने वो चार्ट वितरित किया और लगातार हम डेली कम से कम 500 चार्ट सामान्य जन को, पुलिस डिपार्टमेंट में, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज की डेट में पूरे भोपाल के जितने भी थाने हैं, ईओडब्ल्यू के डीजी साहब, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, सब जगह पे ये हमारे चार्ट को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है और भोपाल के हर थाने में चस्पा किया जा रहा है। और जिनसे भी हम मिल रहे हैं, ईओडब्ल्यू में डीजी साहब से मिले तो उन्होंने, शर्मा साहब ने ये कहा कि पूरे ईओडब्ल्यू के जितने भी लोग हैं उनको इस चार्ट का उपयोग करेंगे। सर देखिए, 1 जुलाई के बाद, मैं जो समझता हूँ 1 जुलाई के बाद होना क्या है कि भले ही वो न्याय सदस्य हो, जुडिशियरी हो या एडवोकेट हो, हम लोग एक मझदार में होंगे। क्योंकि पुराण नया कानून आ रहा है पर पुराना कानून खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे लंबित मामले हैं वो निरंतर चलते रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले कम से कम 2 साल, कम से कम और अधिकतम 5 साल तक जो हमारी निर्णय देने की, न्याय न्याय प्रणाली द्वारा जो निर्णय में देरी होती है, उसमें ये लेवल में आने में पूरा हमें 5 साल लगेगा अधिकतम। इससे जो जजेस हैं और वकील साहब हैं, जो पुराने प्रकरण हैं उन्हें पुराने तरीके से क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। यदि हम अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी इसमें जोड़ें तो प्रक्रिया 1 जुलाई से जो होगी वो नए प्रकरणों पे भी होगी, अपराध नए प्रकरणों की, मतलब नई धाराओं के अनुसार पंजीबद्ध होंगे, परंतु जो प्रक्रिया वो 1 जुलाई से पूरी लागू हो जाएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नए प्रकरणों में भी लागू होगी और पुराने प्रकरणों में भी लागू होगी। परंतु जैसे क्रॉस एग्जामिन है, अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे भी छोटा सा आ जाता हूँ, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इन सब चीजों को शामिल कर लिया गया है, तो जो पुराने प्रकरण है तो हम उसमें क्रॉस एग्जामिन उस पर नहीं जा सकते। ये हमें एक एक तरीके कैसे एकाग्रचित रहना होगा कि हमें किस केस में किस तरीके से क्रॉस एग्जामिन करने हैं। और अभी जो सबसे ज्यादा ये भारतीय न्याय संहिता की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमारे पुलिस साथियों को है, पुलिस डिपार्टमेंट को है, क्योंकि प्रकरण उन्हें पंजीबद्ध करना है, क्योंकि कोर्ट में
और वकीलों के पास प्रकरण तब आते हैं जब न्यायालय में चालान पेश किया जाता है जी। तो हम लोगों का रोल वहां से शुरू होगा इसमें। ठीक है जी सर, और क्या था? अभी हम प्रश्न उत्तर की तरफ चल रहे हैं। हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ और लगातार जुड़ने वाले सदस्य हैं दिल्ली से, नवीन सर, टीएलओ ऑफिस से। आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें सर। एडवोकेट नवीन सर जी। कृपा शंकर जी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जैसे हमारे साथी ने बताया, जैसे आपने सवाल भी पूछा, इस कानून का जो सबसे बुरा पहलू मुझे नजर आता है, सबसे बुरा मैं कहना चाहूंगा, बच्चों के संदर्भ में अगर आप देखें तो दो पहला जो सेक्शन था, सेक्शन 8, वो बात करता था जेंडर न्यूट्रल की, पर अब जो आया है 2.10 उसने ट्रांसजेंडर को इसमें इंक्लूड कर दिया, पर जो 376 की डेफिनेशन है उसके अंदर ट्रांसजेंडर शब्द यूज नहीं करा। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर हो और उसके साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो उसे 376 की डेफिनेशन में कैसे फॉल कराएंगे। तो मेरे साथी अगर उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहे तो वो होगा, क्योंकि 376 की जो आप डेफिनेशन है 63 वो जो है वो सिर्फ वुमेन की बात करती है, वो ट्रांसजेंडर की बात नहीं करती। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है दो सेक्शन 8 और 2.10 का और सेक्शन 376 और 63 जो नया BNS है वो बड़ा है। और इसीलिए जो इस पे चर्चा रही, जैसे अभी यूपी के अंदर एक केस भी हुआ था जिसके अंदर उस लड़की ने जो ट्रांसजेंडर थी लड़की तो नहीं कहेंगे, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि ट्रांसजेंडर और अननेचुरल सेक्स और दूसरा जो एनिमल्स हैं उसके प्रोटेक्शन पे इस एक्ट में ध्यान नहीं दिया गया, जो मुझे लगता है एक गंभीर चिंता का विषय। जी सर, मनीषा जी ने सर, मनीषा जी अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को सर, बहुत ही यूजफुल सेशन था, मैं भी कुछ एड ऑन करना चाहूंगी इस पे। सर ने जो 377 की बात कही, लास्ट सेशन में ही मेरा आप लोगों से डिस्कशन हुआ था कि इस पे जैसे 19 साल का कोई बच्चा है और उसके साथ यदि अड़ीबाजी करके या उसे धमकी दे के या वो अनसाउंड माइंड है बच्चा, कोई अननेचुरल सेक्स कर रहा है, तो उन बच्चों को हम कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि 377 तो हटा ही दिया गया है। अब हम यदि बोले, मेरी बहुत से लोगों से चर्चा हुई तो बोला कि इसको घोर उपपत्ति में ले जाएंगे, तो घोर उपपत्ति की डेफिनेशन भी बदल देगी, 15 दिन, 20 दिन की जगह 15 दिन उसको शारीरिक पीड़ा में होना चाहिए। तो आजकल मेडिसिन इतनी उपलब्ध है, अपना साइंस इतना एडवांस है कि वो 3-4 दिन में क्योर हो जाएगा उसको जो चोट आएगी, तो हम उसको घोर उपपत्ति की कैटेगरी में भी नहीं ले जा पाएंगे एज ए डेफिनेशन। तो क्या हम उसको सिंपल उपपत्ति या सिर्फ धमकी में लाके छोड़ देंगे इस गंभीर अपराध को? और दूसरा सर, इस पे एक मैं एड ऑन करना चाहूंगी रेप की डेफिनेशन को, कि जो पहले हम 375 में पढ़ते थे कि यदि किसी शादीशुदा स्त्री जिसकी उम्र 15 साल से अधिक है उसके साथ उसके पति शारीरिक संपर्क स्थापित कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, तो इसको बाल विवाह को रोकने के लिए अब हमारे यहाँ नया प्रोविजन ला दिया गया है 63 में, डेफिनेशन में ऐड किया है कि उस 15 साल की उम्र को बढ़ा के 18 साल कर दिया है, क्योंकि ये अधिनियम जो था 1860 का बहुत पुराना अधिनियम था और उस समय बाल विवाह अधिनियम लागू भी नहीं था, परंतु वर्तमान परिपेक्ष में यदि देखा जाए तो बाल विवाह को रोकने के लिए इस आयु को बढ़ा दिया गया है। तीसरा सर, एड ऑन करना चाहूंगी किडनैपिंग अब्डक्शन जो लास्ट में रखा गया है सेक्शन को, इस चैप्टर में नहीं जोड़ा गया है। मेरे हिसाब से जो आज के परिपेक्ष में किडनैपिंग हो रही है बच्चों की या अब्डक्शन महिलाओं का हो रहा है, जनरली वैश्यवृत्ति के प्रयोजन के लिए हो रहा है, तो उसको भी इस चैप्टर में हमको कवर करना चाहिए स्टार्टिंग में। थैंक यू सो मच सर जी। एक चीज और है इसमें कृपा शंकर जी, जैसे हमारी साथी महिला ने कहा, जो जो शादीशुदा महिला है उनको रेप की डेफिनेशन से बाहर रखा, लेकिन और एक और भी जो बुरा पहलू है कि अगर एनल सेक्स करते हैं तो उसको भी इस जो कानून है उससे बाहर कर दिया गया है। तो अननेचुरल सेक्स प्लस एनल सेक्स जो है वो भी एक गंभीर चिंता का विषय। मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को इस पे सरकार को चेताना चाहिए और लिखना चाहिए कि बच्चों से संबंधित जो अपराध है उसके विषय में थोड़ा सा और ध्यान रखा जाए। नहीं, बट बच्चों के संबंध में तो सर अगर हम बात करें तो पॉक्सो में अननेचुरल सेक्स को डिफाइन भी किया गया है और उसके प्रावधान भी हैं। नहीं सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 19 साल का बच्चा अनसाउंड माइंड है,
और उसके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो वो बच्चा पॉक्सो में तो कवर हो नहीं पाएगा। लेकिन और उसके, उसके लिए मनीषा जी पिछली बार जब चर्चा हुई थी कि निशक्त जन जो एक्ट बना हुआ है भारतीय निशक्त जन, सर उससे कितनी सजा है, कितनी सजा ये बताइए। मान लीजिए चलिए ये निशक्त जन हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई 20 साल का बच्चा है, उसके परिवार उसकी बहन के गर्दन में छुरी लगा दी आरोपी ने, कहा कि मेरे को ऐसा कर ले दो या तुम्हारे माता पिता को, नहीं तो मैं मार डालूंगा, तो उस सिंपल नॉर्मल बच्चे को कहां कैटेगराइज करेंगे। पिछली बार भी ये जब चर्चा हुई थी नवीन सर मनीषा मैम, तो हमने बातचीत किया था कि अगर हमें कुछ प्रावधान जोड़ने या घटाने हैं तो हम अपनी तरफ से सरकार को संशोधित, सरकार को अपना सजेशन दे सकते हैं। तो आप लोग अगर मुझे लिख के भेजेंगे तो अध्यक्ष के माध्यम से ये इसके लिए हम बिल्कुल भेज सकते हैं जी। बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है, श्यामल राव जी भाई सर आप कुछ कह रहे हैं नवीन सर। कृपा शंकर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने लास्ट टाइम की चर्चा का बात करी और जैसे मेरी साथी महिला बहन ने कहा, इस मुझे लगता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था, उन्होंने 377 को रीड डाउन करा था, उन्होंने स्टक डाउन नहीं करा था। तो ये जो नया कानून है, जो स्पेसिफिकली हम बच्चों की अगर बात करें तो ये कानून को स्टक डाउन कर दिया गया है, क्योंकि जो पिछला कानून था उसके अंदर असॉल्ट भी था सेक्सुअल ऑफेंस में, जैसे अगर पॉक्सो को भी इसमें मिला ले तो असॉल्ट भी इसके अंदर कवर था, पर अब इसमें असॉल्ट कवर नहीं है, सिर्फ सेक्स की बात करता है। तो ये एक मुझे लगता है कि हमें शायद लिखना चाहिए सरकार को, हम बच्चों के प्रोटेक्टर हैं तो हमें मुझे लगता है कि एक यूनिनिमस चर्चा करके लिखेंगे तो मुझे लगता है बच्चों को ज्यादा सहूलियत। नवीन जी आप ले लें या मनीषा जी कोई भी अगर मुझे 5-7 पॉइंट लिखते भेज दें तो उसको मैं डिस्कस करके ड्राफ्ट बना करके देने की प्रयास मैं दे दूंगा। कृपा शंकर जी आपको दे दूं, आप भी दे दें, मनीषा जी आप भी दे दें, दोनों लोगों का ऐड करके फिर बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। श्यामल राव जी भाई साहब ने हेड नेट किया था, अपनी बात रखें। श्यामल राव जी छिंदवाड़ा से हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर रहे हैं लंबे समय तक, जुवेनाइल बोर्ड में मेंबर रहे हैं लंबे समय तक। श्यामल राव जी, जी मेरा यह है कि कपिल भाई साहब से ये कहना है कि जो अभी जो संशोधन आया बीएनएस में, इसमें ईएफआईआर की प्रक्रिया है ना, तो क्योंकि आम सामान्य